हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एन साइकोलॉजी। मैं हूँ शार्दुल। दोस्तों, हम सूफिज्म पढ़ रहे थे, हिंदी में सूफीवाद। हमने ये देख लिया था कि सूफीवाद का अर्थ क्या है, किन किन लोगों ने उन्हें किस तरीके से परिभाषित किया है, अलग अलग तरह से, अलग अलग शब्दों से किस तरीके से सूफीवाद बना है। उसके बाद पंजाब में, भारत में उदय कैसे हुआ सूफीवाद का, कौन कौन जो सूफ़ी थे वो भारत आए, के कौन कौन से उन्हें किताबें लिखी। अब हम यहाँ पे देखेंगे आज सूफीवाद की विभिन्न शाखाएं क्या क्या हैं। तो देखो, इस्लाम के साथ में ही हमने अभी तक जितना भी देखा उससे हमने यही पाया कि इस्लाम के साथ ही सूफीवाद का उदय हुआ है। सूफीवाद इस्लाम की एक ब्रांच मानी गई। उसकी भूमि क्या थी? जन्म भूमि अरब। अरब से इसकी शुरुआत हुई थी और अब ये पूरे विश्व में फैल रहा था। भारत में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? पंजाब से हुई थी। शुरुआती सूफीवाद के मुख्य केंद्र क्या थे? बसरा, कूफा, बलख और मरव थे। और बाद में इसके विकास के साथ साथ नक्शब, तरमीज, नीशापुर, बिस्मात, ऐसे बगदाद, शिराज, ऐसे बहुत सारे जो केंद्र थे वो शामिल हो गए। सूफी केंद्रों के बढ़ने का मतलब क्या था? कि सूफीवाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा था, उसका रंग पूरी दुनिया पर चढ़ता जा रहा था, जिसके साथ साथ वो अपनी यौवन अवस्था में पहुंच गया था और कई शाखाओं में भी बढ़ चुका था। मतलब यौवन अवस्था का मतलब है यहाँ पे कि अपनी चरम पे पहुंच गया था, ठीक है। इन शाखाओं को विद्वानों ने सिलसिले का नाम दिया है। इन ब्रांचेस को, शाखाओं को क्या बोला है? सिलसिला। असल में हजरत मोहम्मद साहिब के चार खलीफ हमने पढ़ा था, चौथे खलीफों के बाद में क्या हुआ था? षड्यंत्र चालू हो गया था, है ना। तो चार खलीफों के बाद सूफी साधक देश विदेश में घूमने लगे। सूफियों के एक समूह या फिर बोल सकते हैं परिवार का बुजुर्ग अपने आप को पीर या शेख कहलवाता था, ठीक है। चार खलीफे थे, हर एक समूह का जो सबसे बड़ा, सबसे पहले का जो व्यक्ति होता था, बुजुर्ग जिन्हें हम कहते हैं, वो क्या कहलाता था? पीर या शेख। इन्हीं परिवारों के समूह को बाद में सिलसिलों का नाम दे दिया गया। सिलसिले का नाम उनके मुखिया के आधार पर रखा गया। जो उनके मुखिया का नाम था उसी को क्या रखा गया? उस सिलसिले यानी उस शाखा का नाम रखा गया। सभी सूफियों की आध्यात्मिक मंजिल क्या थी? एक ही थी, अपनी आत्मा की शुद्धि, परमात्मा से करीबी। यही तो थी सूफी की, सूफीवाद का रहस्य ही ये है, सूफी की मंजिल ही यही है। लेकिन इस मंजिल को पाने के लिए जाने वाली जो साधना थी, जिसको बोल सकते जो सीढ़ी थी, उनमें अंतर था। जो साधना की पद्धति थी यानी जो तरीका था, उसमें अंतर था। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? इन सभी सिलसिलों की अलग अलग शाखाएं फैलती गईं। सूफी मत के पौधे को पैगंबर हजरत मोहम्मद ने लगाया था, जिन्हें हजरत अली और उनके चार खलीफों ने सींच कर एक पेड़ बनाया था, जिसमें से सूफीवाद की तकरीबन कितनी शाखाएं निकली? 15 शाखाएं। लेकिन यहाँ पे 14 शाखाओं को ही हम सिलसिले के रूप में गिनते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन कौन सी शाखाएं हैं। देखो, सबसे ऊपर तो कौन रहेगा? पैगंबर मोहम्मद साहेब। उन्होंने ही ये एक पौधा कहते हैं जिन्हें लगाया था, इन्हें अली कहा गया। अब इनकी 4 शाखाएं निकली, या सिलसिला जिसको बोला है, कुमायल, इमाम हसन। ये सब क्या है? जो उनके वरिष्ठ बुजुर्ग थे उनके नाम पर ही ये शाखाएं रखी गई हैं, है ना, इमाम हुसैन और हसन अल बसरी। अब जो चौथा खलीफा था, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि तब षड्यंत्र चालू हो गया था, सब खलीफे पद के लिए लड़ाई झगड़ा चालू हो गया था कि हम खलीफे बनेंगे, हम खलीफा बनेंगे, हम सबसे शीर्ष पद पे बैठेंगे। तो क्या हुआ? फिर से वो 2 शाखा और सिलसिला में बट गई। तो एक था ख्वाजा अली अजमी, जिसको बोला गया अजमी सिलसिला, और दूसरा था ख्वाजा अब्दुल वाहिद जैदी, जिसको बोला गया जैदी सिलसिला। अब जैदी सिलसिला के बाद में क्या हुआ? ख्वाजा फैजल, ये बटी नहीं, ये उसी के नीचे बढ़ती गई। मतलब इनके बाद ये आई, इनके बाद ये आई, इस तरीके से। जैसे जैदी सिलसिला के बाद आया अजाजिया सिलसिला, ख्वाजा
फुजैल बिन अजाज के नाम पर। उसके बाद आया इब्राहिम अदहम, इसको बोला गया अहमिया सिलसिला। फिर आया ख्वाजा हबीर, इसको हबीरी सिलसिला बोला गया। फिर ख्वाजा अबू और फिर ख्वाजा इसहाक सामी, इसको बोला गया चिश्ती सिलसिला। अब जो हजमी सिलसिला था वो दो भाग में बट गया। पहला ख्वाजा बायजीद बस्तामी, इसको बोला गया तैफूरिया सिलसिला, ठीक है। दूसरा था ख्वाजा दाऊद। अब ये यहाँ ख़त्म हो गया, इसकी फिर कोई ब्रांच नहीं निकली। ख्वाजा दाऊद के जो जिसको हम बोलते हैं उत्तराधिकारी भी बोला जाता है, कि इस तरीके से आगे बढ़ते गए। ख्वाजा दाऊद के बाद कौन बने? ख्वाजा मारूफ करकी, इसको करकी सिलसिला बोला। ख्वाजा सरी सक्ती उसके बाद बने, इसको सक्ती सिलसिला बोला। शेख जुनैदी बने, उसको जुनैदी सिलसिला बोला। अब जुनैदी सिलसिला भी दो भागों में बटा। एक था हजरत ममस दाउल और एक था शेख अबू बक। शेख अबू बक के बाद में शेख अब्दुल वाहिद बने, फिर शेख अबुल फतह बने, फिर शेख अबू सैयद बने। शेख अबुल कादिर जिलानी, इनको कादरी सिलसिला कहा। अब ममस दाउल में इसमें दो शाखाओं में ये बट गए। शेख अबुल अली हसन एक बने और दूसरे ख्वाजा अहमद। अब ख्वाजा, अब देखो शेख अबुल अबू अली हसन के बाद में अबू इसहाक काजरूनी, इसको बोला गया काजरूनिया सिलसिला। और शेख अमुया इसके बाद जो बने उनको शेख वजीह उद दीन, ये शेख वजीह उद दीन इनको बोला गया। अब ये यहाँ पे ख़त्म हो गया ख्वाजा अहमद शेख वजीह उद दीन में। लेकिन काजरूनिया सिलसिला जो था वो दो भागों में बट गया। शेख अहमद दीन, इसको तूसी सिलसिला बोला गया, और एक था शेख जिया उद दीन, इसको सुहरावर्दी सिलसिला बोला गया। और इसके बाद में ही शेख नजम, इसी से इसके बाद सुहरावर्दी के बाद में क्या बना? शेख नजम उद्दीन यानी फिरदौसी सिलसिला बना, ठीक है। तो इस तरीके से जो शाखाएं थी वो बनती गईं। अब यहाँ पर कादरी सिलसिले को नहीं गिना गया, ये जो अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है कादरी सिलसिला, इसको नहीं गिना गया। इसलिए 15 में से हमने क्या बात की कि 14 को ही हमने यहाँ पे देखा है गिना है। यहाँ पर कादरी सिलसिले को नहीं गिना गया, क्योंकि क्यों नहीं गिना गया? कादरी सिलसिले और शाखा को शरई सिलसिला नहीं माना जाता है। शाखा को क्या? शरई सिलसिला नहीं माना जाता। जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि पैगंबर मोहम्मद के बाद हजरत अली और उनके चार खलीफों ने इस्लाम को आगे बढ़ाया। सुफान जैसे विद्वानों का कहना है कि कुछ सूफी मोहम्मद साहिब को दौते कुमायल, इमाम हसन, इमाम हुसैन और हसन अल बसरी को चार पीर मानते हैं, जो हमने शुरुआत में पढ़े, ठीक है। ये यहाँ पर ये चारों, तो इन्हीं को, इन्हीं ने क्या किया? पैगंबर हजरत मोहम्मद जी जो थे उनके चार खलीफ थे, ये खलीफे थे, इन्होंने इस्लाम को क्या किया? आगे बढ़ाया। सुभान जिंदानों का कहना है कि कुछ सूफी मोहम्मद साहिब इन्हीं को, ये जो चार खलीफे थे उन्हीं को क्या मानते हैं? पीर मानते हैं। एक अन्य पश्चिमी विद्वान रोज़ करके थे, उन्होंने भी इमाम हसन, इमाम हुसैन, हसन बसरी और कुमायल इन्हीं को चार पीर का दर्जा दिया, जिसने आगे की सूफी शाखाओं का प्रारंभ किया। इन चारों ने इस्लाम का प्रचार करते हुए किसी भी संप्रदाय या सिलसिले की नींव नहीं रखी, बल्कि इनके चेलों ने संप्रदायों में बंटकर धर्म का प्रचार किया, इसलिए इन चारों को पीर की उपाधि दी गई। मतलब इन्होंने मतलब ये चार तो थे, इनको कोई सिलसिला या कोई वो नहीं माना गया है, इनका आप देख रहे हो केवल नाम है। इन्होंने किसी धर्म या संप्रदाय की नींव नहीं रखी, लेकिन जो इनके चेले थे ये इनके नाम से ही चार चल रहे हैं। ये केवल सूफिज्म को आगे बढ़ाया इन्होंने, लेकिन जो इनके चेले थे जैसे ये हो गए, ये हो गए, तो इन्होंने क्या करा? एक सिलसिला बना दी, एक शाखा बना दी, जैसे जैदी सिलसिला, अहमिया सिलसिला, ठीक है। इसलिए पीर किसको माना गया? ये चारों को माना गया है, ठीक है। संप्रदाय में बट के इसको पीर की उपाधि दी गई। सूफीवाद में कहीं ना कहीं सिलसिले की नींव धर्ता को भी पीर माना गया है। इन चारों को तो माना ही गया, लेकिन जिन्होंने
किसी भी सिलसिले की नींव रखी जो उसको फॉलो करते थे, उस नींव को फॉलो करते थे, उस सिलसिले को फॉलो करते थे, उनके लिए पीर कौन थे जिन्होंने उसकी नींव रखी। जैसे बुल्ले शाह ने अपने एक कलाम में अपने मुर्शीद, या मुर्शीद का मतलब गुरु है ना, और उनके भी गुरु के बारे में बताया, मतलब उन अपने गुरु बुल्ले शाह के गुरु और उनके भी गुरु के बारे में बताया। बुल्ले शाह के गुरु लाहौर से थे, जबकि जो उनके गुरु के गुरु थे वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद के थे। दिए गए 14 सिलसिलों और संप्रदायों के बारे में विशिष्ट जानकारी हम ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे पहला पढ़ते हैं अजमी सिलसिला। इसको ख्वाजा हबीब अजमी द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? हबीब अजमी द्वारा। ख्वाजा हबीब अजमी ने हसन अल बसरी की मुरीद भी थे और उनकी गद्दी के वारिस भी थे। देखो ये है ख्वाजा हबीब अजमी सिलसिला, ये है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। अजमी सिलसिला ये किसके वारिस थे? हसन अल बसरी के वारिस थे ये, ठीक है। और इन्होंने ही अजमी सिलसिला चलाना स्टार्ट किया। अब आगे देखते हैं, हसन अल बसरी के मुरीद भी थे, उनकी गद्दी के वारिस भी थे। अजमी लोग कहाँ निवास करते थे? तो ये पर्वतों में निवास करते थे। गोशान शान यानी इसका मतलब होता है एकांतवास, इनका दैनिक व्यवहार था, इसलिए पर्वतों में रहते थे एकांत में। ये लोग 7-7 दिन रोज़ा रखते थे, यानी एक तरह का जो मुसलमानों में इस्लाम में जो उपवास रहता है, और 7 दिनों बाद में कुछ खजूरें खाकर रोज़ा खोलते थे। ये कठिन तप के तौर पे भी देखा जा सकता है। जंगली पशु भी इनसे प्रेम करते थे क्योंकि इन्हें अहिंसा, इन्होंने अहिंसा को ही क्या माना था, परम धर्म माना था। इस खानवादी के संचालक ख्वाजा हबीब अजमी के बारे में कहा जाता है कि वो एक क्या थे, सूदखोर व्यक्ति थे। अपनी असामियों से तंग आकर वो हसन अल बसरी की संगति में आ गए और इस धंधे से तौबा करते हुए उन्होंने अपना पैसा लुटा दिया, दान में दे दिया या दे दिया गया उनके द्वारा। इन्हें केवल अजमी ज़ुबान यानी फ़ारसी और ईरानी ही आती थी, अरबी ठीक से ये नहीं बोल पाते थे। हसन बसरी ने इन्होंने अरबी सीखी और रूहानी इल्म सीखा, मतलब आत्मा की शुद्धि, आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया, रूहानी इल्म यानी, और अरबी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, जिसके बाद ये बहुत ही करामाती संत हो गए, उच्च कोटि के ये संत बन गए। ये 772 से लेकर 773 हिजरी को परलोक से धार गए थे, इनका देहांत हो गया था। अब देखते हैं कि जैदी सिलसिले के बारे में। जैदी सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन जैद थे। इन्हें ख्वाजा हसन अल बसरी से खिलाफत प्राप्त हुई थी। जंगलों में वास करना, पशु मारना और हिंसक होने से अपने आप को बचा कर रखना, जंगली पशुओं को खाकर गुजारा करना इनका नित्य कर्म था। इन्होंने फुजैल बिन अयाज को अपना अधिकारी बनाया था, जिसके बाद उन्होंने आगे चल के वो पीढ़ी आगे बढ़ाई, ठीक है। तो दो शाखाएं हो गई। अब आया फुजेल बिन अयाज, यानी यही जो उत्तराधिकारी थे जैदी सिलसिले में, ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन जैद के जो उत्तराधिकारी थे वो। तो फुजैल बिन अयाज ने अजाजिया सिलसिले की नींव रखी। इस सिलसिले में के सूफी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, मतलब अविवाहित जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए ये अलग भी था। इन्होंने क्या किया, एक ब्रह्मचर्य का पालन किया, अविवाहित जीवन जीना शुरू किया। खाना बदोश की तरह ही रहते थे, घूमते रहते थे, नए कपड़े पहनने की बजाय पुराने कपड़ों में ही टिका रहना, फटे हुए ये ऊपर से सिला गया और अन्य कपड़े का टुकड़ा, मतलब इस तरीके से लगाकर अपना जैसे तैसे गुजारा करना। कभी भी किसी से ये कुछ मांगते नहीं थे, जितना इनके पास उसी में गुजारा करते थे।
साधक बनने से पहले अयाज किसी समूह के कप्तान थे। एक रात में उसने सपने में इल्हामी वचन सुने। दूसरे सवेरे वह अब्दुल वाहिद जैद के पास गया, सूफी मत की दीक्षा ग्रहण की और वह खुदा के प्यार को ही अपनी बख्शिश समझता था। मतलब खुदा के प्यार को ही पाना, उनसे मोहब्बत करना, इसी को उन्होंने अपने जीवन का क्या बना लिया, उद्देश्य बना लिया। फिर आया अहमिया सिलसिला। इसको कुछ विद्वानों ने क्या बोला है, अदमी सिलसिला भी बोला है। तो अदमी सिलसिला को और किस नाम से अहमिया सिलसिला को किस नाम से जाना जाता है, अदमी सिलसिला। अहमिया सिलसिला और अदमी सिलसिला क्या है, एक ही है। अब जिसकी बुनियाद किसने रखी थी, हजरत ख्वाजा इब्राहिम अदहम ने रखी थी। इन्हें खिजर, ख्वाजा फुजैल बिन अयाज और हजरत इमाम मोहम्मद बाकर से अलग अलग दीक्षा यानी कि खिलाफत मिली थी। इब्राहिम अदहम राजकुमार से सन्यासी बने। तो पहले इब्राहिम क्या थे, इब्राहिम अदहम जो थे पहले राजकुमार थे, फिर इन्होंने सन्यासी बनने की सोचा और सन्यासी बन गए। इनका जीवन बहुत कुछ गौतम बुद्ध से मिलता जुलता है। जोर जोर से प्रभु का नाम लेना, लोगों से बहुत ही कम मिलना और तप में लीन रहना, यही क्या थी इनकी दिनचर्या थी। फिर आते हैं ख्वाजा हबीब, जिनका पूरा नाम क्या था, ख्वाजा हबीरा अमीनुद्दीन अल बसरी था। इन्होंने हबीरी सिलसिले की नींव रखी या शुरुआत की। इस सिलसिले संबंधी सूफी भी जंगलों में रहकर तपस्या करते थे और अपने कलब, कलब यानी होता है मन, इसको बस में करने का निरंतर प्रयास करते थे। ये सूफी इस जंगल में फल फूल खाकर ही अपना गुजारा करते थे। अब आता है चिश्ती सिलसिला। हजरत ख्वाजा अबू इजहाक सामी से ये शुरू हुआ चिश्ती सिलसिला। इक्तिबासुल अनवार पुस्तकर्ता ने इस सिलसिले के शुरू होने की बात इस तरह से समझाई है कि एक बार ख्वाजा अबू इजहाक सामी अपने वतन शाम से आए थे और वहाँ हजरत ख्वाजा अली दीन वरी को मिले और उनके मुरीद मतलब कि उनके शिष्य होने की इच्छा जाहिर की। ख्वाजा दीन वरी ने इन्हें मुरीद बना लिया यानी कि अपना शिष्य बना लिया और फरमाया यानी कि कहा कि आज से आप चिश्ती कहलवाएंगे क्योंकि आपको ख्वाजा एच चिश्त बनाया गया है। चिश्त का मतलब होता है खुरासान। आपके कारण प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही अबू इसहाक सामी ख्वाजा एच चिश्त बन गए और चिश्ती सिलसिला क्या हो गया, शुरू हो गया। फिर है सिलसिला तैफूरिया, जो ख्वाजा बायजीद बिस्तामी से जा मिलता है। क्योंकि आपका नाम तैफूर था इसलिए इस सिलसिले का नाम भी तैफूरिया रखा गया। अब इनका पूरा नाम क्या था, अबू यजीद तैफूर बिन ईसा बिन अल बिस्तामी था, काफ़ी लंबा नाम था। आप पक्के अद्वैतवादी मतलब कि ये जो थे तैफूर जी, ये पूरे अद्वैतवादी थे और ईरानी सूफी साधक थे। कौन से सूफी साधक थे, ईरानी। इन्होंने सूफी मत में फना और बका का सिद्धांत मतलब फना हो जाना, अपने आप को पूरी तरीके से लुटा देना, पूरी तरीके से बोलते ना वही। अब है करकी सिलसिला। करकी सिलसिला क्या था, हजरत मारूफ करकी ने इनको शुरू किया। करख नाम का गांव बगदाद में है, मतलब ये बगदाद का एक गांव है करख, जिसकी प्रसिद्धि किसके कारण हुई, हजरत मारूफ करकी की वजह से हुई। करकी लोग क्या थे, बहुत ही एकांत प्रिय थे और भजन करना, सिमरन करना, ध्यान करना, इसमें लगे रहते थे। कुरान शरीफ का पाठ करने में लगे रहते थे। भगवान का डर मानने के कारण उदास रहने पर अपने आप को मस्कीन समझकर वक्त गुजारना इन लोगों का शौक था। फिर आता है ख्वाजा सरी सख्ती। इनके द्वारा जो सिलसिला शुरू किया गया उसको बोला गया सख्ती या शक्ति सिलसिला। इनके जो मुर्शिद थे, गुरु थे, हजरत मारूफ करखी थे और उन्हीं से इनको क्या मिली, खिलाफत दीक्षा प्राप्त हुई। कम खाना, लंबे समय तक रोजा रखना और कम समय के लिए सोना इनका नित्य कर्म था। लंबे समय तक रोजा 7 दिनों के लिए उन्होंने रखना स्टार्ट किया था। कम खाना, ये आपको भी अपने नित्य कर्म में से थोड़ा शामिल करना चाहिए। हफ्ते का एक उपवास तो आपको रखना ही चाहिए।
डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वह लोगों से उतना ही मांग कर लाते थे जितना कि उनका और उनकी मंडली का गुजारा हो सके, उससे ज़्यादा नहीं। अब आता है जुनैदिया सिलसिला। इसको शुरू किसने किया? हजरत जुनैद बगदादी ने। इन्होंने ख्वाजा सरी सख्ती के, ये कौन थे? मुरीद थे, यानी शिष्य थे, और बाद में उनकी गद्दी के वारिस बने। इस सिलसिले से संबंधित व्यक्ति यानी सूफी क्या करते थे? बहुत ही कठोर तपस्या का अभ्यास करते थे। तवक्कुल या अल्लाह की जाति में इनका अटल विश्वास था कि अल्लाह होते हैं, भगवान होते हैं, और ये लोग आम तौर पर ही रोजे रखते रहते थे। ठीक है। अब आता है काजरूनी सिलसिला। काजरूनी सिलसिला क्या है? देखो, सॉरी, ये काजरूनी सिलसिला अबू इसहाक काजरूनी द्वारा इसको शुरू किया गया। इनके जो मुर्शिद यानी जो गुरु थे वो कौन थे? शेख अबू अली हसन थे, जिन्होंने आपको दीन और दुनिया दोनों का खलीफा बनाया, दुनिया का खलीफा बनाया। आपको अपने मुर्शिद का आदेश था, यानी कि गुरु का आदेश था, यानी कि आपको का क्या मतलब है? जो ये काजरूनी थे उनको अपने गुरु का आदेश था कि लोगों में इलाही इश्क पैदा करना है, इसलिए सिलसिले कि सूफी अधिकतर लोगों में रहते थे। मतलब इनका जो मेन उद्देश्य था लोगों के बीच भगवान की जो उसका प्रसार प्रसार करना है, भगवान के प्रति मोहब्बत इश्क पैदा करना है कि भगवान होते हैं, उनसे ही आप जुड़ें, प्रेम करें, यही इसका मकसद था। फिर द तूसी सिलसिला, तो इसकी नींव किसने रखी? शेख अहमद दीन तूसी ने। कई विद्वानों ने अहमद दीन तूसी को अलालुद्दीन तूसी भी कहा। तूस खुरासान का एक शहर था, शहर है। आपके मुर्शीद ने यानी गुरु ने आपको, मतलब अहमद दीन तूसी को, तूस जाकर अल्लाह की मोहब्बत फैलाने का संदेश दिया। आदेश को पाते ही वह तूस गए। कौन? दीन तूसी। यहाँ आकर इन्होंने क्या किया? समा की मजलिसे यानी संगीत दरबार, कीर्तन दरबार लगवाने शुरू किए। यहाँ आकर संगीत दरबार, कीर्तन दरबार लगाने शुरू किए। उसके बाद कव्वाली, कीर्तन से लोग नृत्य नाच करने लग पड़ते थे, आवाज़ ऊँची करके पाठ करते थे, गाने गाना लग जाते थे। ठीक है। अब है सुहरावर्दी सिलसिला। शेख जियाउद्दीन अबू नजीम सुहरावर्दी ने इसको स्टार्ट किया था। डॉक्टर गुलजार सिंह किंग कंग, इनके अनुसार भारत में सिलसिले का के जो संस्थापक थे वो बहाउद्दीन जकरिया थे। अभ्यास और जागरण ने आपको, यानी कि किसे? नजीम सुहरावर्दी जी को क्या बना दिया था? एक तेजस्वी हस्ती वाला बना दिया था। लगातार तप का अभ्यास करना, जागरण करना, और इन्होंने अपने शिष्यों पर कुछ ऐसा जादू करते थे कि वे सदा के लिए इनके होकर रह जाए। अब जादू मतलब कोई जादू टोना नहीं, मतलब इनके व्यक्तित्व में इतना तेज था, इतना आकर्षण था कि जो इनका इन्हें देखता था, इनसे मिलता था, इनसे बातें करता था, वो इन्हीं का होकर ले रह जाता था। फिर है शेख निजामुद्दीन किबरा। इनके द्वारा फिरदौसी सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है। फिरदौसी सिलसिला शुरू किया गया शेख निजामुद्दीन किबरा द्वारा। आप शेख जियाउद्दीन अबू नजीम के मुरीद थे, यानी उनके ये शिष्य थे। कौन? शेख निजामुद्दीन किबरा। किनके शिष्य थे? शेख जियाउद्दीन अबू नजीम के शिष्य थे। मुर्शीद ने यानी गुरु ने इनको मशायखे फिरदौस यानी स्वर्ग का बादशाह होने का वरदान दिया। स्वर्ग के बादशाह को क्या बोलते हैं? फिरदौस, इसलिए इसको फिरदौसी सिलसिला भी कहा गया। उस दिन से आपके सिलसिले का नाम ही फिरदौसी सिलसिला पड़ गया। अब सख्ती और करखी सिलसिले बहुत पहले ही समाप्त हो गए। ठीक है। इनके अनुयायी जो थे वो कादरी संप्रदाय में बट गए थे। तो जो अभी तक हमने 14 सिलसिले का जिक्र अबू उल फजल अलामी ने अपनी प्रसिद्ध रचना आईने अकबरी इसमें किया हुआ है,
यहाँ पर कादरी सिलसिले का जिक्र नहीं है, लेकिन सूफी मत के प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वान रोज़ ने अपनी पुस्तक में कादरी सिलसिले को भी स्थान दिया है। अब देखते हैं कादरी सिलसिला क्या था। तो कादरी सिलसिला जो था अबुल कादिर जिलानी द्वारा अस्तित्व में आया। इनका जन्म 1078 में ईस्वी में जिलान यानी फारस में हुआ। इनकी करामातों को देखकर हजारों लोग इनके दीदार के लिए आते थे, जो इनके करामातों यानी जो इनके कार्य थे उनको देखकर। अब इन्होंने 17 साल की उम्र में बगदाद में प्रस्थान कर लिया। जो इनके शिष्य थे, जो इनके चाहने वाले थे, इनको पीर दस्तगीर पीरान ए पीर यानी पीरों के भी पीर और गौस उल समदानी गौस उल अजुम महबूबे सुफानी हसनुल हुसैनी और इन सबसे इन्होंने उनको पुकारा है, अलंकृत किया है। मतलब ये सारे जो नाम हैं वो उनको दिए गए हैं, जो इनके चाहने वाले थे उन्होंने इनको दिए हैं। अब देखिए भारत में सूफी सिलसिले, तो हम आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। भारत में जो सूफी सिलसिलों की शुरुआत हुई उसे हम कल पढ़ेंगे, या शाम तक भी मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ये थोड़ा सा ही बचा है, कोशिश करेंगे कि 1 से 2 लेक्चर में अब आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही कंप्लीट लेक्चर है, इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। शेयर कीजिए जो भी जिसे नेट की प्रिपरेशन करें, और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।